प्रयागराज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रयागराज जहां बहती है गंगा मैया, प्रयागराज जहां होता है संतों का मेला, प्रयागराज जहां का मिलन है अलबेला, ऐसे पतित पावन क्षेत्र से मैं कुंभ दर्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं, आपका अपना दोस्त आशीष तिवारी। दर्शकों, कुंभ दर्शन हम अलग अलग पूज्य महाराज जी से आशीर्वचन ले रहे हैं। इसी के तहत हमारे साथ परम पूज्य प्रदीप कृष्ण शास्त्री जी हैं, पूज्य श्री से मिलते हैं और कुछ जानकारी इस क्षेत्र से लेते हैं और साथ ही साथ धर्म पे कुछ चर्चा करेंगे। पूज्य आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री प्रयागराज। पूज्य प्रयागराज की जब बात आती है तो ये दिमाग में एक विचार उत्पन्न होता है कि नदियों का संगम, तीर्थों के राजा के रूप में यहाँ पे महिमा गाई जाती है, महिमा के रूप में आप क्या कुछ कहेंगे? ये तीर्थों के राजा हैं, बहुत बड़ी महिमा है। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जन करहिं त्रिवेणी, यही प्रकार भरी मकर नहाही। सभी तीर्थ देव संत महात्मा एक मास के लिए, क्योंकि इसका संबंध कुंभ से है, घड़े से है, समुद्र मंथन से है और ये बहुत बड़ा मेला है। आज नहीं, ये सतयुग से चला रहा है। यहाँ अनेक संत विद्वान महापुरुष वे हैं, ये तपस्या की भूमि है। श्री ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध यज्ञ यहाँ किए हैं, महाराज हर्षवर्धन ने सब कुछ यहाँ लुटा दिया, यहाँ तक अपना राज्यपाट पत्नी भी दान में दे दिया। और माँ गंगा यमुना का पावन संगम तो है ही, यहाँ पर सभी भक्त भी आते हैं। मोक्ष भूमि है, सिद्ध भूमि है, लोग अपना पाप उतारने के लिए आते हैं इस भूमि पे। बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, सभी धर्म लाभ ले रहे हैं, देश विदेश से। आप खुद ही देख रहे हैं श्री तिवारी जी कि गंगा जी में क्या इंग्लैंड, क्या रशिया, क्या फ्रांस, क्या जर्मनी, क्या अमेरिका, सभी संत महंत विद्वान महामंडलेश्वर यशस्वी मनस्वी तपस्वी योगी यति तपी सब यहाँ आए, सब गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, सब गंगा जी का आचमन कर रहे हैं। और इस प्रयाग क्षेत्र में आकर के हम सब लोग भी अपने वाणी के द्वारा सबको धर्म लाभ पहुंचा रहे हैं। खुशी, यहाँ पे स्नान दान का तो बड़ा महत्व होता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अगर एक आम जनमानस यहाँ पे आए और किस तरीके से वो धर्म लाभ ले सकता है, ज्यादा से अब यूं कह लें कि पुण्य क्षेत्र है, यहाँ पे अलग अलग महत्व गाए जाते हैं आप जैसे श्रद्धे के श्रीमुख से, तो इसके बीच अगर हम ये जानना चाहें कि यहाँ पे कथा का जो आयोजन हो रहा है या इसके श्रवण को लेकर के अगर लाभ के तौर पे देखा जाए तो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ धर्म लाभ कैसे मिल सकता है? यहाँ की बहुत बड़ी महिमा है तीर्थराज की, और यहाँ जितने भी संत महापुरुष पधारे हैं सबका उद्देश्य यही है कि लोग ये अपनी ये प्राचीन परंपरा रही है संतों की, तो पहले संत भ्रमण करते थे, गांव-गांव में जाते थे, अलग जगाते थे, अपने धर्म और संस्कृति से जोड़ते थे। और कुंभ में यही एक मेला है, संतों का बहुत बड़ा मेला है, पूरे विश्व का मेला है। इसमें सभी संत आए हैं, सब अपने अपने अनुसार सब शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, हमें कैसे धर्म पे चलना चाहिए, क्योंकि ये प्राचीन संस्कृति है, अपनी मर्यादा है और भारत ने पूरे विश्व को दिया है। सबसे बड़ी सनातन परंपरा ये सतयुग से अनादि परंपरा चली आ रही है, आज तक वसुधैव कुटुंबकम का भाव रहा है हमारा, हम सबको लेके चलने वालों में से हैं, सबका आदर करते हैं, चाहे वो गैया मैया हो, चाहे माँ हो, चाहे गंगा मैया हो, चाहे यमुना मैया हो, है ना, सभी का समावेश है। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया में विश्वास रखते हैं। एक लाइन मुझे याद आ गई कि युवा शक्ति जागेगी तो सारी विपदा भागेगी। इस विपदा के साथ साथ अगर हम आधुनिकता से जुड़े रहें और संग संग हम अपनी पद्धति सनातनी, सनातन परंपरा जिसके हमारी भाषा में सनातनी कहा जाता है, उस पद्धति से अगर हम जुड़े रहें और आज के जो धारा प्रवाह क्षेत्र हैं हम अपनी रूटीन को भी मिलाए रखें और धर्म को भी संजोए रखें, इसके लिए हमारे युवाओं को जिस तरीके से आपने अपने उद्बोधन में कहा जोड़ने के लिए क्या कुछ मार्गदर्शित करेंगे? देखिए, हम तो बहुत ज़्यादा पुराने विचारधारा में भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नए भी नहीं, हम मीडियम मध्यम और यही आश्रय लेके चलेंगे। ये भी नहीं, जो नई विचारधारा आ रही है उसका भी स्वागत है, उसका खंडन नहीं कर रहे हम, ना उसका महिमा ही मंडन कर रहे हैं, लेकिन हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, हमें सबको लेके चलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग भटक गए, उनको मुख्य धारा में अपनी संस्कृति से सनातन परंपरा से परिचित करवाना पड़ेगा उनको।
क्योंकि संस्कृति ही बिगड़ रही है। अभी जो शिक्षा मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है अपनी, जब तक सनातन संस्कृति नहीं चलेगी तब तक लोग क्या समझेंगे। ये तो बहुत बड़ी विराट संस्कृति है, भारत ने विश्व को दिया। आज भगवान कपिल देव के विमान का वर्णन है, श्री करदम जी महाराज के विमान का वर्णन, आज साइंस उस पर रिसर्च कर रहा है। मन से चलने वाले विमान की चर्चा हो रही है, वो भारत में 1 करोड़ साल पहले था और लोग आज के साइंटिस्ट नासा वगैरह उस पर रिसर्च कर रहे हैं, आज विचार हो रहा है उस पर। तो अपनी संस्कृति की जड़ें तो बहुत नीचे तक है, हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा। अपनी जो मूल संस्कृति है उसका और भी अध्ययन, संस्कृति को और बढ़ावा देना पड़ेगा। जो जो अभी तक उपेक्षा का शिकार रही है उसको सामने लाना पड़ेगा। और अभी हो रहा है, आप जैसे युवा आ रहे हैं बहुत सारे, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ कुंभ में भी नए नए बच्चे आ रहे हैं, संत बन रहे हैं, बहुत सुंदर है, अच्छी बात है। आवें, समाज को जगावें, जो सोए हुए उनको जगावें, दिव्य उनको ज्ञान दें, जीवन जीना सिखाएं, क्योंकि जीवन पशुपत हो गया है। मनुष्यत्वम मोक्षत्वम, मनुष्यत्व को पहचाने, मोक्ष की इच्छा रखें। मोक्ष की इच्छा से ही तो लोग आ रहे हैं, अपना कर्तव्य पालन कराने के लिए, अपने धर्म पर चलने के लिए। तो महापुरुष यही शिक्षा दे रहा, हम सब यही शिक्षा दे रहे हैं, भाई आप आइए, अपने आप को पहचानिए, अपनी संस्कृति अपनी मर्यादा को आगे बढ़ाइए, पूरे विश्व को दीजिए, वितरित करिए। बहुत अपूर्व भंडार भरा पड़ा है हमारे यहाँ तो, और देने के लिए हम बैठे हैं। आइए लूटिए खजाना, बहुत भरा पड़ा है, लीजिए ज्ञान का भंडार, हम तो लुटा रहे हैं। कराची, हम लोग बाकी धार्मिक अगर जो प्रचलन की बात की जाए तो कथाएं आयोजित होती हैं और पूज्य श्री आपके मुख से कथाएं लोग सुनते हैं, तो एक माध्यम हम भी बन गए कि देश विदेश में लोग जो बैठे हैं, जो यहाँ पे नहीं आ सके हैं, उनको जोड़ने के लिए हम जैसे लोग काम कर रहे हैं। तो इसके बीच हमारा चैनल एक नया कार्यक्रम लेकर आया है, कुंभ दर्शन। कुंभ दर्शन में आप जैसे मनीषियों का उद्बोधन से लोगों को यहाँ की महिमा का मंडन जो है वो आपके मुखारविंदुओं से होता है, और बहुत सारी चीजें धर्म के प्रति जो जिज्ञासा है, जो कथा मन से आप नहीं कह पाते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से कह रहे हैं। इस पे आशीर्वचन के तौर पे क्या कुछ कहेंगे? मेरा समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ी यही शिक्षा है, भाई दया सर्वभूतेषु, जीव मात्र पर दया करिए, क्योंकि आज आज दया का अभाव हो गया, लोगों में दया नहीं रही। सबका सुख दुख आप समझिए, सबका सुख दुख जब आप समझेंगे तब आपको पता लगा, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती वो दूसरे के लिए उपयोग मत करिए। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचारे, हम तो इस पर विश्वास रखते हैं और हम यही कहते हैं भाई जीव मात्र पर दया करिए, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, सब करिए। हमारी हमारी संस्कृति का रक्षण करिए। हम गौ संवर्धन पर विश्वास करते हैं, गौ संरक्षण पर विश्वास करते हैं। आज गैया के जीवन भारी संकट आ गया, आज बेटी के जीवन भारी संकट आ गया, बेटी बचाइए, बेटी भविष्य है। जल शुद्धिकरण, भविष्य में जल संकट आने वाला है, उसकी अभी से पूर्व तैयारी करिए। ये वायु प्रदूषण, ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, पर्यावरण के लिए ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो ऋषि मुनियों ने हवन के माध्यम से वायुमंडल को ऐसे भी शुद्ध किया है, लेकिन आजकल ये जो इंडस्ट्रियाँ बढ़ी हैं, कल पुर्जे बढ़े हैं, कारखाने बढ़े हैं, तो उससे नुकसान भी हो रहा है। कल के दिन कहीं लोग शुद्ध हवा लेने के लिए ना तरस जाएं, वो भी सिलेंडरों में शुद्ध ऑक्सीजन मिल ही रहा है लोगों को। तो शुद्धता का ख्याल रखें, स्वच्छता का ख्याल रखें ये युवा पीढ़ी, क्योंकि अभी बदलने में मुझे लगता है आज पीढ़ी लग जाएगी। लोगों की मानसिकता बदलना बहुत बड़ा काम है और मानसिकता बदलने का काम हम कर रहे हैं, और इसमें युवा पीढ़ी, आप जैसे जब आएंगे तब देश बदलेंगे, भविष्य बदलेगा, नव भारत का निर्माण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय प्रयागराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपने पुरुषी के आशीर्वचन सुने, और युवा सोच कैसी होती है, जहां भी अगर युवापन आपके मन में, विचार में अगर आपके युवापन आएगा तो कुछ न कुछ बदलाव आएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार आवाहित करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आओ, अपनों को साथ लाओ, प्रकल्प में अपनी सहभागिता इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सनातन धर्मी हैं। प्रयागराज तीर्थों का राजा है, एक बार अवश्य पधारे। आज के लिए बस इतना ही, जय जय प्रयागराज।